Hello everyone, welcome to OPC Study. This is Sivarth. In this video, we'll discuss about few important articles which were in news on 5th December 2022. Okay, first article amar rela women internet users. Okay, recently Oxfam India jota gote NGO de hala Oxfam India gote report release karche jahar na hala India Inequality Report 2022 डिजिटल डिवाइड ए रिपोर्ट रे गोटे डेटा दे जोटा को मेन्स रे यूज करी परबा एज पर दिस रिपोर्ट इंटरनेट यूजर्स सपोज 100 जन इंटरनेट यूजर्स ता भीतर कोन ना 2/3 एले मेल 1/3 एले फीमेल ओके तो मेल मन इंटरनेट यूज करी परे मेल मन कर संख्या अधिक काटर फीमेल मन काटर ऑब्वियसली अपन जदी घरे देखिबे मोबाइल डिवाइस अपन को जद देखिबे मेल मन पाखरे मिलिबार चांसेस बेसी अधिक ओके तो मोबाइल डिवाइस अपन इंटरनेट यूज करे सबटर सुविधा माने सबटर इजीएस्ट डिवाइस कोटा मोबाइल इंटरनेट अपन मोबाइल यूज करि परे लैपटॉप रे भी यूज करि परे बुझियो जे बहुत सारा डिवाइस अछि किंतु इजी वे कोथि रहबो बस सब बहुत लोग पाखे कौ डिवाइस रही मोबाइल मोबाइल द्वारा इंटरनेट यूज कर पारे यदि मोबाइल धरवे मेल मान संख्या अधिक तो ऑब्वियसली इंटरनेट यूज करवे संख्या अधिक थी बुझे जदि आम देखिए रूराल अरबान कंपेरिजन तो 100 जन इंटरनेट यूजर रु लगभग 30 जन कौन अरबान रूराल एरिया आउ 67 70 जन कौन ना अरबान एरिया बुझे तो मेल फिमेल मेल संख्या अधिक इंटरनेट यूज करिवार रूरल अर्बन देखिले अर्बन एरिया कौन इंटरनेट यूज करिवार आगुआ ओके इंटरनेट पेनिट्रेशन देखिए यदि स्टेट वाइज ताले हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन को स्टेट रही ना महाराष्ट्र रे लोएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन कोठी ना बिहार ओके नेक्स्ट आर्टिकल जीवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न्यूज रे कहि किथला ना 3rd December रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर जन्मवार्षिकी हेतला हमर करंट प्रेसिडेंट कौन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्लोरल ट्रिब्यूट दे ओके तो यही करंट अफेयर इंस्पायर होगी कौन करवा ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि फैक्ट्स मन रखा जन्मस्थान कौटी ना बिहार रे ओके 3rd December 1884 जन्मग्रहण करते गांधीजी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी तार बिहार ब्रांचटा को किए संभाले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेहेतु से एरिया बिलंग करते ओके कौन है ना अंडर हिज गाइडेंस सल्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन नखास पॉन्ड बिहार ओके गांधीजी जो सल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करते दांडी यात्रा ओके तो बिहार रे दांडी यात्रा किए संभाली थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौटी ना नखास पॉन्ड रे ओके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जदि आम देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस आपे प्रतिष्ठा होता ना 1885 प्रसाद केबे जॉइन करथिला ना 1911 ओके से दि थर नेशनल कांग्रेस रा प्रेसिडेंट रही हम जानचे कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो प्रेसिडेंट प्रति वर्ष गोटे आनुआल सेसन हुए टुवर्ड्स डिसेंबर रे गोटे आनुआल सेसन हुए सेसन रो प्रेसिडेंट बुझे से सेसन में जो प्रेसिडेंट रही है तो नियम थिला कि सपोज बिहार रे आनुआल सेसन हो तो बिहार रे जन्मित लीडर केबे भी से सेसन में प्रेसिडेंट हो पार ना जन आउटसाइडर से सेसन में कौन प्रेसिडेंट हो पार ओके किंतु से स्थान जन्मित लीडर से केबे भी प्रेसिडेंट हो पार ना बुझे तो राजेंद्र प्रसाद कौटे थे बिहार तो जेबे से दि थर कौन होते INC प्रेसिडेंट होती तो ओब्वियसली कौन हो जन्मस्थान अलग जगह जो INC सेसन हो सी प्रेसिडेंट होती ओके तो बॉम्बे सेसन 1934 सी प्रेसिडेंटशिप करते आ गोटे कौन ना त्रिपुरी सेसन 1939 एक्चुअली त्रिपुरी सेसन प्रेसिडेंट किए थे सुभाष चंद्र बोस बट सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कला राजेंद्र प्रसाद कौन होते 1939 त्रिपुरी सेसन प्रेसिडेंट होते तो दिथर प्रेसिडेंट होते INC गोटे बॉम्बे सेसन आ गोटे त्रिपुरी सेसन ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंडर रे जो जो कमिटी थिला बा से जो जो कमिटी रे सी चेयरपर्सन थे से गुड़ा है कि जमीक स्टीयरिंग कमिटी होगा फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एड हॉक कमिटीज ऑन नेशनल फ्लैग ओके प्रिलिम्स रे कौन ना एलिमिनेशन करियारे साहय कर जो गुड़ा ग्रीन हाइलाइट है जस्ट से गुड़ा मन रख दिंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कमिटी से चेयरपर्सन थे स्टीयरिंग फाइनेंस ओके रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल फ्लैग युवा जोड़ी जोड़ी देखिए आप ऑप्शन में तार चेयरपर्सन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके
तापरे फास्ट इंडिपेंडेंट इंडिया रो ओके इंडिपेंडेंट इंडिया रो फास्ट प्रेसिडेंट किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 पर्यंत रही थे ओके आ 1962 कौन भारत रत्न अवार्ड दि जाइए बुझे बुझे तो आईएनसी रो दिथर प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मध्ये प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया रो फास्ट प्रेसिडेंट मध्ये थे ओके 1950 रो 1962 आ भारत रत्न रे कौन भारत रत्न अवार्ड दि जाइए ओके नेक्स्ट आर्टिकल जीवा नेक्स्ट आर्टिकल हला इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप ऑन काजीरंगा प्रोजेक्ट ओके काजीरंगा प्रोजेक्ट आमर कौन ना आसाम गोटे गोटे प्रोजेक्ट चलते जोटा लगे आसाम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यही प्रोजेक्ट अंडर जाऊँच किए काजीरंगा प्रोजेक्ट ओके यहाँ कौन य प्रोजेक्टा कौन इंडो इंडिया और फ्रांस रो पार्टनरशिप रे चलते ओके जो आसाम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी केबे स्टार्ट है जी ना 2012 स्टार्ट है जी ओके आसाम गवर्नमेंट आ जो फ्रेंच पार्टनर जी है से गोटा एएफडी ओके ये मन रखा ना आप जानते कि कौन ना इन आसाम आउ फ्रांस कंपनी ओके से मिसिक कौन ना ये प्रोजेक्टा स्टार्ट करते ओके ये प्रोजेक्टर लक्ष्य कौन ना लैंड रिस्टोरेशन कर जो कम्युनिटी मेम्बर्स अच्छा ओके अल्टरनेट लाइवलीहुड जोगे देवारे साहय कर बुझे लैंडहुड लैंड रिस्टोरेशन आप जानते हैं आसाम प्रति वर्ष भयंकर बनिया आस ओके देखी थे सही समय जब भिड देखी थे ओके बहुत सारा कौन हो ना आसाम जो वन हर्नड राइनोज अच्छा से मैंने कौन ना जेहेतु आसाम ओके मानस नेशनल पार्क पा भर जाए तो से जगह को कौन भ्रमण कर बुझे तो कौन हो सब वर्ष कौन ना बनिया आसवा द्वारा जो नेशनल पार्क र क्षति घटे था ओके तो से जो लैंड डिग्रेड ताकू रिस्टोरेशन कर किए जो काजीरंगा प्रोजेक्ट ओके इंडिया आउ फ्रांस कंपनी मिसिकी जो आसाम गवर्नमेंट आउ फ्रांस कंपनी मिसिकी लैंड रिस्टोरेशन करिवे ताकि कौन करिवे ना से लैंड को हाइट बढ़े देवे तादारा बनिया आसले मध्ये कोन ऊपर भाग सुरक्षित रहिबो जोटी जाए कौन ना 100 आइनस टेम्पोरारी सेल्टर नहीं पारे बुझे ये बहुत सारा कौन लैंड रिस्टोरेशन काम हम लोकल कम्युनिटी मेम्बर तर भी कौन लाइवलीहुड चली जाऊँ बुझे तो अल्टरनेट लाइवलीहुड जोगे दब बुझे तो आम जब देखा आसाम रो नेशनल पार्क विषय देखा तो आसाम कतेटा नेशनल पार्क अच्छे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके आसाम सातटा नेशनल पार्क अच्छी आम आपको कौन करवा ना वेस्ट रु ईस्ट रे मन रखा बुझे बुझे वेस्ट रु ईस्ट रे मन रखा लास्ट को ट्रिक्स भी गोटे अच्छे मन रखापे ओके जदि वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क देखिए आसाम से कौन आप रायमना नेशनल पार्क जोटा 2021 रिसेंटली यहाँ आड है ओके आउ ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्कटा कौन है ना देहिंगपटकाई नेशनल पार्क यहाँ भी 2021 ओके बहुत वेस्टर्न आउ ईस्टर्न जो एक्सट्रीम जो नेशनल पार्क अच्छा से कौन ना रिसेंटली आड होती आज जी मझे पाँचटा रहा बहुत आगर ओके तो रायमना नेशनल पार्क देन मानस नेशनल पार्क ओके देन नामेरी नेशनल पार्क एंड दि फोर्थ वन है कौन ओरांग नेशनल पार्क तापर आसला काजीरंगा नेशनल पार्क देन आमर आसला दिब्रु साइखोआ नेशनल पार्क लाटेस्ट जोटा होटा कौन ना देहिंगपटकाई नेशनल पार्क ये गोटे क्या अच्छे जदि आम रायमना आउ देहिंगपटकाई कौटा लाटेस्ट हम ना देहिंगपटकाई ओके यहाँ कौन 9th June रही एट्थ जून रही ओके तो कमी मन रखिए ना आर ट्रिकटा है आसाम रो नेशनल पार्क आसे गोटे मंक रो इमेज आप माइंड में ने ओके मंक मंक डीडी ओके आर मंक डीडी ओके आर रे आसला कौन रायमना नेशनल पार्क एम रे आसला मानस नेशनल पार्क ओके देन ओ रे आसला ओरांग नेशनल पार्क देन नामेरी के रे काजीरंगा डी रे दीटा डी अच्छे गोटे है दिब्रु साइखोआ लास्ट है देहिंग पटकाई ओके आर मंक डीडी ओके आउ आर आउ यू दुटा ओके देहिंग पटकाई ये दुटा कौन लाटेस्ट आड होती ओके यही दुटा भितर लाटेस्ट कौटा ना देहिंग पटकाई ओके काजीरंगा नेशनल पार्क विषय टी जाना आम काजीरंगा नेशनल पार्क जमी देखे आम आसाम अच्छे ओके यहाँ नेशनल पार्क के घोषणा होता है ना 1974 यहाँ भी गोटे कौन एट दि सेम टाइम गोटे टाइगर रिजर्व 2007 डिक्लेयर है ओके
इंटरनेशनल स्टेटस जी देखा यहाँ यूनाइटेड यूनेस्को रोटे कौन ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोटा 1985 डिक्लेयर कराइला इंपोर्टेंट बार्ड एरिया गोटे आईबीए ओके तो यहाँ एट द सेम टाइम यहाँ गोटे टाइगर रिजर्व यहाँ गोटे नेशनल पार्क यहाँ गोटे इंटरनेशनल इंपोर्टेंट वार्ड एरिया अल्सो कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओके तो यार महत्व जापारे तो प्रति वर्ष बनिया असुविधा क्षयति घटू तो से कौन ना आसाम गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट हाथ को नहीं ओके रिस्टोरेसन प्रोजेक्ट ओके आउ वन हंड्रेड राइनोज ओके वन हंड्रेड राइनोज सब बेसी वन हंड्रेड राइनो जो वर्ल्ड कौट देखा होटा कौटी ना आसाम र कोड काजीरंगा नेशनल पार्क ओके तो 5 डिसेंबर आम तीन टाइम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिबा 6 डिसेंबर रो करंट अफेयर्स ओके okay?